तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आज का जैकपॉट। मैं जैकपॉट ही कहूँगी इसे अपने टेरेस गार्डनिंग का। तो देखिए बम्पर हार्वेस्टिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग लेसन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए कुछ गार्डन अपडेट हैं, वो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, ये पहले भी मैंने दिखाई थी आपको, खीरे की कोकम्बर की जो है ये फसल है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और बड़े बड़े जो हैं खीरे, वो पूरे प्रॉपर बड़े बड़े साइज़ के खीरे हैं जो वो बने हुए हैं। ये देखिए, बहुत छोटा सा प्लांट है वैसे ये, बट मेरे सारे प्लांट्स में ऐसे ही आप देखेंगे, फ्रूट्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, पत्तियाँ वगैरह जो हैं उसकी ग्रोथ हमेशा लिमिटेड ही रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है टेरेस गार्डनिंग में ना। तो ये देखिए, ये वाइट कलर के जो हैं ब्रिंजल हैं, ये मैंने अभी लगाए थे थोड़े टाइम पहले, अब इनकी हार्वेस्टिंग का भी टाइम आ गया हुआ है। तो मैं दिखाती चलती हूँ साथ में आपको कुछ कुछ हार्वेस्टिंग अपने टेरेस गार्डन में। तो बहुत टेस्टी बनते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत सारे ब्रिंजल के प्लांट हैं, पर ये मैंने स्पेशल लगाए हैं अपने टेरेस गार्डन में। दो ही प्लांट्स हैं पर इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है, अभी लगाए थे, बहुत जल्दी मैच्योर हो गए ये और बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग हो रही है, और कोई कीड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप भी लगाइए, इस टाइम फुल सीज़न है, नहीं तो पीछे जो था इनके ऊपर थोड़ा सा कीड़ों का अटैक बरसात में ज़्यादा रहता है। तो अभी लगाइए आप बड़े आराम से। ये देखिए, ये एक और है खीरे की मेरी, ये पुरानी वाली बेल है, इसमें भी लग रहे हैं, तो इसको भी हार्वेस्ट अब हम लोग कर लेंगे। तो अच्छी हार्वेस्टिंग आज जो है वो मेरे ऊपर टेरेस गार्डन से हो रही है। तो ये देखिए साथ में घिया और कद्दू जो थे, कद्दू तो पीछे मैंने जो बेल है वो निकाल दी अपनी, बट अब जो है पहले वो भी बहुत लगे, अब ये घिया है, ये भी लगातार लग रहे हैं। तो अब ये इतना तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, तो मुझे ये बांटने ही पड़ेंगे अपने, बट बहुत खुशी होती है क्योंकि एक तो ये ऑर्गेनिक है, जब हम किसी और को भी देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखिए प्रॉपर इसका जो कलर है और साइज़ है बहुत अच्छा आता है। ये कुछ तोरियां हैं लग रही हैं, ये लगातार लगी हुई हैं मेरे टेरेस गार्डन में। वीक में जो है मैं दो बार इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी जो है इनसे तीन या चार अप्रॉक्सीमेटली मेरी तीन चार दिन के बाद निकल आती हैं, तो हम लोगों की फैमिली के लिए बहुत सफिशिएंट हो जाती हैं ये। तो साइज़ भी इनका बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो बहुत अच्छी लगी हुई हैं ये। इनको इस बार हार्वेस्ट करके बहुत मज़ा आया मुझे। तो पहले मैं इसको उतार लेती हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, बाकी कुछ और हैं, मैं वो बाद में उतारूँगी। फ्रेश ग्रीन कलर की वेजेस हैं ये। तो ये देखिए, ये है मेरा आज का जैकपॉट। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ब्यूटीफुल अल्टीमेट, इतनी बड़े साइज़ की जो लौकियाँ हैं इसमें निकल के आ रही हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी साइज़ की जो हैं निकल के आएगी लौकी। देखिए अब इतनी है तो हम लोग कैसे खाएंगे, बहुत बड़े साइज़ की है बम्पर। ये देखिए, एक बार कैमरे में भी पूरी कैप्चर नहीं हो रही है ये, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के, आप भी इंजॉय कीजिए इसको, देखिए। तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ये। एक ही पॉट का कमाल है, देखिए ये मेरे, आप भी लगाइए तो देख लीजिए, पूरी फ्रेश ग्रीन, बड़ी बड़ी हैं कितने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और जो है बेल आइकन का बटन वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा।